हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रियो ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग किस तरह से बनाते हैं और स्प्रिंग के अगर हम लोग लेंथ वेरी करेंगे, सपोज ये अभी 100 है, उसकी जगह पे मैं अगर 200 भी कर देता हूँ तो इसके पीच भी ऑटोमेटिकली वेरी हो जाएगी। तो वो किस तरह से वेरी करते हैं और एच स्प्रिंग अगर अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने हेलिकल स्वीप मारा वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो वो सबसे पहले देखिए, क्योंकि तो अगर वो आएगा उसके बाद ही आपको ये वाली स्प्रिंग बनाना वीडियो आ जाएगा। तो इससे जस्ट पहले मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग न्यू पार्ट ले लेंगे, स्केच करेंगे, फ्रंट व्यू नॉर्मल, स्केच नॉर्मल, ठीक है। सेंटर लाइन ले लेंगे, सेंटर दे देंगे इधर, ये है 25 मेरा, ये है मेरा 50, 25, क्लिक ऑन ओके, अगेन एडिट, वर्टिकल सेंटर लाइन लेंगे, सर्कल बनाएंगे इधर, ये दोनों सर्कल मेरा इक्वल होने चाहिए, 25 dm के होने चाहिए, ये इधर कंट्रोल जेड टेंजेंट होने चाहिए ये, और ये भी इधर टेंजेंट होना चाहिए। अब जाएंगे सेंटर लाइन पे, दो सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे, डिलीट सेगमेंट में ये वाला और ये वाला पोर्शन हम लोग डिलीट कर देंगे, क्लिक ऑन ओके करेंगे। अब हम लोग जाएंगे हेलिकल स्वीप में, डिफाइन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्केच करेंगे, नॉर्मल व्यू कर देंगे, रेफरेंसेस में जाएंगे, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, रेफरेंसेस में जाएंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये पॉइंट ले लेंगे और ये पॉइंट ले लेंगे, एस्केप करेंगे, फिर से सेंटर लाइन पे एक सेंटर लाइन हम लोग क्रिएट करेंगे और अगेन हम लोग ये वाली सेंटर लाइन हम लोग ले लेंगे, स्केच सेंटर लाइन, लाइन पे क्लिक करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डायमेंशन आ चुका है, यहाँ पे 25 दे देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे, सर्कल में जाके यहाँ पे हम लोग डायमीटर दे देंगे 5, 5 mm की मेरे को कॉइल चाहिए, तो ओके। यहाँ पे मेरे को पिच चाहिए 10 mm, अगेन ओके, 10, क्लिक ऑन। तो आप देख सकते हो कि इतना मेरा पोर्शन रेडी हो चुका है, पर यहाँ से यहाँ तक का मेरा पोर्शन अभी तक रेडी नहीं हो चुका है, तो अभी रेडी नहीं हुआ, स्प्रिंग नहीं रेडी हुई। तो उसको हम लोग बनाने के लिए ये मेरे को इधर एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और इधर तो ये एक रेफरेंस पॉइंट ये है ही, उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग स्केच करेंगे। तो उसके लिए मेरे को इधर स्केच करना पड़ेगा और इस वाले फेस पे मेरे को स्केच करना पड़ेगा। तो हम लोग जाएंगे स्केच में, ये वाला प्लेन पे सिलेक्ट करेंगे, स्केच करेंगे, नॉर्मल व्यू कर देंगे। अब हम लोग जाएंगे लाइन पे, कंस्ट्रक्शन मोड में, यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इधर एक मिड में एक पॉइंट ले लेंगे और क्लिक ऑन ओके करेंगे। यहाँ पे सेक्शन मेरा इनकम्प्लीट दिखा रहा है, अगेन लाइन कंस्ट्रक्शन मोड, यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, पॉइंट पे क्लिक करूंगा, मेरा पॉइंट भी आ चुका है, ओके पे मैं क्लिक करूंगा, यस कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा स्केच है अभी क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो किस वजह से, क्योंकि हमने ये वाला पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था, पर हम लोगों को चाहिए ये वाला पॉइंट, तो फिर से हम लोग एडिट कर देंगे इधर, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे लाइन पे, कंस्ट्रक्शन मोड पे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन,
ड्रॉ मैंने कर दी कंस्ट्रक्शन के लिए, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मैंने ले लिया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये मेरा कहलाता है। ठीक है, अगर मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये पॉइंट आ चुका है। आप मेक श्योर करें कि ये वाला पॉइंट आप यूज ही ना करें, इधर जो पॉइंट आ रहा था वो। ठीक है, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाएंगे, स्केच पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल व्यू कर देंगे, और आप ये पॉइंट का इस्तेमाल ना कीजिए बल्कि ये इस पॉइंट का इस्तेमाल कीजिए, तभी आएगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया और मैंने ओके पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इस तरह से मेरा कर्व मैं अभी इस पॉइंट से मैं क्रिएट कर दूंगा। तो कर्व को क्रिएट करने के लिए किस तरह से करेंगे वो आप सबसे पहले देख लीजिए। तो जाएंगे हम लोग डेटम में, कर्व पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, अगेन कैंसिल, कर्व इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे, कर्व क्रिएट हुआ। एडिट करेंगे इस पॉइंट पे और मैं नॉर्मल करूँगा, नॉर्मल टू दिस फेस। ठीक है, अगेन यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करके एडिट करेंगे इसको, टेंजेंट कर दूंगा मैं, टेंजेंट टू दिस कर्व, और इसके नॉर्मल डायरेक्शन में कर दूंगा। अभी ये फुल्ली तरीके से अभी मेरा क्रिएट नहीं हुआ है, इसको मेरे को थोड़ा स्मूथ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं ऑप्शंस में जाऊंगा, क्विक कर्व पे मैं क्लिक करूंगा, क्विक कर्व सेटिंग पे मैं क्लिक करूंगा, और मैं नॉर्मल व्यू फ्रॉम द टॉप में कर दूंगा। और ठीक है, इस पॉइंट को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा तो ताकि वो कर्व मेरा स्मूथ हो, तभी वो मेरा क्रिएट हो पाएगा। तो थोड़ा और स्मूथ कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा स्मूथ हो चुका है, अप्लाई करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, एंड ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरा स्केच रेडी हो चुका है। फिर से हम लोग एक स्केच नीचे की साइड बनाएंगे, स्केच ड्रॉ करने के लिए एक कर्व पे क्लिक करेंगे, इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल टू दिस फेस, अगेन इधर राइट क्लिक करेंगे, टेंजेंट करेंगे, टेंजेंट टू दिस कर्व इन द रिवर्स डायरेक्शन। ओके, ऑप्शंस में जाएंगे, ट्विक कर्व पे करेंगे, ट्विक कर्व सेटिंग करेंगे, यहाँ पे टॉप व्यू से हम लोग देखेंगे, टॉप व्यू से मेरे को इसको मैं इसको मेरे को एडजस्ट करना है, तो ये थोड़ा मैं एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, कहाँ तक अपने हिसाब से आप रेंडमली ले लीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, एंड ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे मेरा दो कर्व मेरा रेडी हो चुका है। अब मेरे को इधर इसको मेरे को स्वीप करना पड़ेगा, तो जाएंगे स्विफ्ट में, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अब स्विफ्ट दबाएंगे और ये वाला कर्व सिलेक्ट करेंगे, तो ये पूरा का पूरा कर्व सिलेक्ट हो जाएगा। जाएंगे स्केच पे, सर्कुलर सर्कल बनाएंगे, डायमीटर 5 दे देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये कर्व रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा स्प्रिंग इतना पोर्शन रेडी हो चुका है। अगेन हम लोग जाएंगे स्विफ्ट पे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन कैंसिल, यहाँ पे कंट्रोल आप मत दबाइएगा, आप दबाएगा सिर्फ। ठीक है, फिर से स्वीप, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो ये कंटिन्यूअसली वो कर्व को सिलेक्ट कर देगा। जाएंगे स्केच पे, सर्कल, डायमीटर 5, एंड क्लिक ऑन। तो इस तरह से ये आपकी स्प्रिंग पूरी की पूरी रेडी हो जाएगी। तो अभी तक वीडियो में हमने देखा कि स्प्रिंग किस तरह से बनाते हैं, अभी हम लोग ये देखेंगे स्प्रिंग को वेरी किस तरह से कराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक स्पेशल टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद रिलेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब हम लोग जाएंगे हेलिकल स्वीप पे, हेलिकल स्वीप में ये जो मेरा प्रोफाइल है और मेरा सेक्शन है दोनों को मैं सिलेक्ट में कर दूंगा। ठीक है, दोनों को मैं सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये मेरा पिच मेरे को दिखने लग जाएगा। ठीक है, अब रिलेशन बनाने के लिए हम लोगों को जाएंगे, रिलेशन मेरे को बनाना है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक में करूंगा एक बार, यहाँ पे मैं अभी कैंसिल कर दूंगा। जाएंगे स्केच में, एडिट पे मैं क्लिक करूंगा, एडिट पे क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे एडिट,
नॉर्मल व्यू कर दूंगा मैं यहाँ पे, मैं स्पेशल डायमेंशन दे दूंगा, यहाँ से यहाँ तक का मेरा है 100 mm, 100 mm, और ये 25 को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 100 से हम लोग सभी मेरा मैं रिलेशन में दूंगा। तो उसके लिए मैं जाऊंगा रिलेशंस में, रिलेशंस में जाने के बाद कैच पे, सॉरी डिलीट, रिलेशंस में हेलिकल स्वीप में प्रोफाइल और सेक्शन में ओके कर दूंगा, मेरे पीछे भी आ जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। अब मैं जाऊंगा रिलेशंस में, ठीक है, ये मेरे को चाहिए कौन सा डायमेंशन, ये पीच वाला डायमेंशन मेरे को, अगर पीच वेरी कराना है तो पीच पे मैं क्लिक करूंगा, पीच इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं दे दूंगा मेरा जो ब्रैकेट आ रहा है वो D6 इज इक्वल टू पीच, पीच इज इक्वल टू ये मेरा जो लेंथ है D18, D18 आएगा इधर, इधर आएगी D18, D18 डिवाइडेड बाय D18 माइनस 50, 50 क्यों, ये 25 है ये भी 25 है, तो 50, अगर ये अगर 25 है ये भी 25 है तो ये मेरी लेंथ कितनी हो जाएगी 50, और उसके सामने मेरी पिच कितनी है 50, 50 के सामने पिच मेरी कितनी है, अभी मेरी पिच कितनी है सपोज 10 mm, तो डिवाइड बाय वन, और सपोज अब अभी अभी ये हाइट है 50, 50 के सामने मेरी पिच कितनी है अभी 10 mm है, तो 50 के सामने मीन्स 1/5, व्हाट इज 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 1/5 इज इक्वल टू, कैलसी में जाएंगे कैलकुलेटर, 1/5 हम लोग कर देंगे 0.2 आएगा, तो इनटू हम लोग कर देंगे 0.2, और ओके पे मैं क्लिक कर दूंगा, ओके यहाँ पे एडिट, मैंने यहाँ पे मैंने 0.2 में मैंने यहाँ पे मैंने क्रॉस नहीं किया, क्रॉस करना है और ओके पे क्लिक करना है, तो इस तरह से मेरा रिलेशन मेरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सपोज मैं इसको मैं अगर वेरी करूँगा स्केच पे डीएल में 100 की जगह पे अगर मैं 150 कर रहा हूँ, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली मेरी पिच मेरी वेरी हो जाएगी, 150 की जगह पे अगर मैं 40 कर रहा हूँ तो भी यहाँ पे मेरा वेरी नहीं हो जाएगा, क्योंकि 25 25 00 हो जाएगा, इसलिए मेरी पिच नहीं आएगी, तो 50 की जगह पे मैं कर रहा हूँ 250, तो भी मेरी पिच उसके अकॉर्डिंगली वेरी हो जाएगी, 100 कर रहा हूँ सपोज मैं 100, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पिच पे आप ये रिलेशन का यूज करके आप स्प्रिंग अप बना सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू वेरी मच।